देखो इधर, कल हम ये क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस कर रहे थे। एक एरोप्लेन है जिसकी हाइट जो है, वर्टिकल हाइट जो है वो 3000 √3 है, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। और जो इसका एंगल बन रहा था ना, वो आपको गिवन था 30 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये है कि एरोप्लेन की ये हाइट है और यहाँ से वर्टिकल यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 30 डिग्री था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 30 सेकेंड्स तक जो एरोप्लेन ने मूव किया है, मतलब यहाँ था पहले, अब उसकी पोजीशन चेंज होगी, यहाँ से यहाँ आ गया। जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द सेम पॉइंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट, मतलब हम एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, इससे जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन गया 60, ठीक है। पहले ये पोजीशन थी, अब चेंज होके ये हो गई। इसका मतलब 30 सेकेंड्स में एरोप्लेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो ये है, ठीक है। तो मतलब आपको टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। अगर आप ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके यहाँ से स्पीड आ जाएगी। तो मेन हमारा काम ये है कि पहले आपने बड़े वाले ट्रायंगल में ये फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस, फिर छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। और अगर आप दोनों को माइनस कर दो, अगर आप बड़े वाले में से इसको माइनस कर दो, तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा इन 30 सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के साथ आपके पास स्पीड आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पर पहले आप बड़े वाला ट्रायंगल लोगे ACD, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लगाओगे, हाइट गिवन है, बेस आ जाएगा AD वहां से। फिर छोटे वाला ट्रायंगल लोगे जिसमें आप एंगल लोगे 60, और ट्रायंगल का नेम आएगा ABE, ठीक है। वहां से आप निकालोगे AE, और AD में से AE को कर दोगे माइनस, आपके पास ED डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन आ जाएगा इन 30 सेकेंड। करो फाइंड, पहले डिस्टेंस फाइंड करो, उतना आप सबको आता है। करो फाइंड, पहले ट्रायंगल लो ACD, फिर लो ADE, ठीक है। करो जल्दी कंप्लीट। इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर कोई और टाइप स्टार्ट करते हैं। लिखा नहीं होता, स्टैंडर्ड यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन की स्पीड मीटर पर सेकेंड थोड़ी होती है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होगी वो उसकी डिस्टेंस देखो ना, कितना हाइट देखो कितनी है, 3000, हाँ वहाँ 6000 में जा रही है, तो रिलेशन कितने का होता है, 1000 का, 1000 से कितना बड़ा है, तो स्टैंडर्ड यूनिट किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, 1000 से लेस होती तो मीटर में, 200 नहीं, 720 मीटर पर सेकेंड आया, अच्छा किलोमीटर पर आ रहा है, वैसे 200 आ रहा है ना, उसको कन्वर्ट कर लो, बाद में कन्वर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 60 था, है खुशी 60th क्वेश्चन था। आंसर है 200 मीटर पर सेकेंड। नहीं, पहले आपने डिस्टेंस निकाल ली है, एक 9000 आ रहा है, 6000, 3000 आ रहा है, दोनों को माइनस करके 6000 आ गया, डिस्टेंस कवर्ड आ गया 6000, डिस्टेंस आ गया, टाइम गिवन है, उसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। उसको कन्वर्ट कर दो किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इसलिए करना है क्योंकि जो डिस्टेंस है वो थाउजेंड्स में है, 6000 है, तो रिलेशन जो होता है वो थाउजेंड का होता है, तो थाउजेंड से बड़ा है ना, इसलिए कन्वर्ट करना जरूरी है। टू हंड्रेड आ रहा था, 200, पहले एक मिनट, AD आ रहा है आपके पास 9000, ये किस किस का आ गया है, AD 9000 AD आ गया, उसके बाद AE आ रहा है 3000, ED आएगा, दोनों को माइनस करके 6000,
इनको माइनस करके आ गया 6000, ये डिस्टेंस आ गया 6000, क्या आया ये मीटर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास है 6000 मीटर और टाइम है 30 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो, यहां से आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड को कन्वर्ट करना है आर्स में, सेकेंड को कन्वर्ट करना है आर्स में, और मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। मीटर से किलोमीटर में जाना है, क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, आपको डायरेक्ट आता है 18 बाय, ठीक है, सेवन, इसकी कटिंग कर लो, कितना आ गया 4720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गया आपके पास स्पीड। आपका आंसर क्या आ रहा था, 1800 कैसे आ रहा था? ये 200 अपॉन 1000 × 3600। हाँ तो करो सॉल्व, आएगा 3600 ऊपर आना है, 1000 नीचे आना है। रिवर्स है ना, मीटर को किलोमीटर में कर रहे हो तो मीटर ऊपर है तो उसका रिवर्स 1000 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। यहां आएगा 1000 और यहां आएगा 3600। ठीक है, कटिंग करके ये हो जाएगा, क्लियर है? कल एक क्वेश्चन किया था, उसमें टेन थीटा बन रहा था, एक सप्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन किया था, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, वैसे ही सेम क्वेश्चन है, वो लिखो पहले। तो ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ, ये भी कर लो, एक ये भी आ जाता है पेपर में। लिखो द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, द एंग, एक मिनट और, आपकी हर वेडनेसडे को मैथ्स की जो असाइनमेंट है ना, वो जो ग्रुप आया आपका मेरिटोरियस वाला, उसमें आएगी, वो करनी है आपने। ठीक है, और उसके जो आंसर्स होंगे दैट यू विल गेट ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो वेडनेसडे आज है ना, तो मैं देखती हूँ आज से है कि नेक्स्ट डे है, मेरे ख्याल से आज से ही होगी, देख लेते हैं। अगर आज होगी तो आज आ जाएगी इवनिंग तक, अगर आज नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट वीक आएगी। और वो क्वेश्चंस मैं ट्राई करूंगी, दूसरे ग्रुप में भी डाल दूंगी अपने, ठीक है, अपने मैथ्स वाला ग्रुप है ना जो, उसमें भी डाल देंगे, बाकी जिसने करनी है वो कर सकता है। कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा वाला मत करना, जो नॉर्मल लेवल के हैं वो तो कर ही लेना प्रैक्टिस के लिए। तो मैं देखती हूँ आज। हाँ जी, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स मतलब दो एंगल होंगे, ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम टू पॉइंट्स, पॉइंट एक नहीं है, दो है। ठीक है, तो मतलब कि टॉवर जो बनाओगे, यहां से दो पॉइंट्स होंगे ऐसे, दो पॉइंट होंगे तो दो एंगल होंगे, एंगल्स लिखा भी हुआ है। एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द बेस एंड इन द स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। फिर से सुनो, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी फ्रॉम द बेस एंड इन द स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। कल हमने डिस्टेंस किया था ना, यहाँ डिस्टेंस पता नहीं क्या 6 दे रखा था और एक 13.5 दे रखा था। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ए और बी है, मतलब पहले वाले पॉइंट का डिस्टेंस ए है और बड़े वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, बी है। ठीक है, उसमें तो नंबर था ना, तो इजीली पता चल गया था कि दूर वाला 13.5 होगा, लेकिन यहाँ क्लियर, यहाँ बता सकते हो ए बड़ा है कि बी बड़ा है? बी बड़ा है। ठीक है, ये जो एंगल्स है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या करेंगे, एक थीटा एक नाइन, कहीं पर भी ले सकते हो, थीटा 90 माइनस थीटा, या यहाँ थीटा यहाँ 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, कल किया था, बताओ हिमांशु क्या करेंगे, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में सोचना ही नहीं है, दो एंगल है तो दो ट्रायंगल, एक एंगल है तो एक ट्रायंगल लेना है। एच प्रूव करना है कि रूट ए बी है, हाइट ऑफ द टॉवर जो है वो रूट ए बी शो करनी है, ये शो करना है कि ये जो हाइट ऑफ टॉवर है एच, दैट इज रूट ए बी, ये शो करना है। पेन है आपके पास, किसी के पास एक्स्ट्रा तो दे दो। चांद के पास पेंसिल बॉक्स भी है? नहीं, मैंने देखा है वैसे, जो
होते हैं ना बच्चे शरारती, उनके पास पेंसिल बॉक्स तो होते नहीं, बैग में डाला होता है सामान, वो भी वो कैश तो करा दे कम से कम। तू बड़ा लड़ाका है, सर भी कह रहे थे इससे बहुत ज्यादा। हाँ मुझे नहीं पता था, उन्होंने ही बताया। अच्छा चल ठीक, चलो करो स्टार्ट। ट्रायंगल कंसीडर करो, पहले छोटे वाला फिर बड़े वाला फिर। अरे ये प्रूव करना है, हो गया ठीक है, चलो करो जल्दी प्रूव फटाफट। एक से टेन आएगा, दूसरे से फिर दोनों को टेन और कॉट कैंसिल। चलो करो जल्दी से, छोटा सा ही है क्वेश्चन। ट्रायंगल एसीडी में आएगा टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज एच बाय ए। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा इज इक्वल टू एच बाय ए, इसको यहीं छोड़ देना है। दूसरा ट्रायंगल का नेम क्या है? ए बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल लेने। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बड़ा ट्रायंगल है ना तो बेस पूरा आएगा, एच अपॉन बी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टेन और कॉट कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा? वन, रेसिप्रोकल है ना, और राइट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब टेन के साथ लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई, राइट साइड राइट के साथ मल्टीप्लाई, ये कैंसिल होके वन एच स्क्वेयर बाय ए बी, ये यहाँ चला जाएगा। एच इज इक्वल टू प्लस माइनस, जो पेपर में ये दोनों साइन डिस्कस नहीं करेगा उसका हाफ मार्क्स डिडक्ट होगा। सुनाई दे रहा है? चाहे आंसर मिल गया है प्लस ए बी, लेकिन माइनस वाला डिस्कस करना कंपलसरी है। पेपर में एक क्वेश्चन प्लस माइनस का जरूर आता है चेक करने के लिए, ठीक है। और एक और बात, जो आपका मीन मीडियन मॉड वाला टॉपिक है ना, उसमें यूनिट जरूर लिखनी है, उसमें यूनिट के मार्क्स। एक मैं बताती हूँ, देखो जैसे मॉड का या सपोज करो मीडियन का क्वेश्चन आ गया, मीडियन का जो डाटा था ना सब, जो ये मैं बता रही हूँ क्योंकि दोबारा हो सकता है ना ही याद आए क्योंकि मैंने आपको पहले नहीं बताया। ये देखो इधर, सपोज आपका क्लास इंटरवल जो था वो इस तरह से था, 0 से 100, 100 से 200, और जो क्लास इंटरवल था ना ये मंथली सैलरी थी सपोज करो, ठीक है, इन थाउजेंड। यहाँ पे क्या आएगा? इन थाउजेंड। जब आप आंसर निकालोगे ना तो आपने जो भी सपोज करो आपका 28.5 आ रहा है, तो 28.5 थाउजेंड है मीडियन। सिर्फ मीडियन नहीं लिखना, जो यूनिट यहाँ दी होगी ना इसके साथ, अगर आप इसका मीडियन निकाल रहे हो, जो यहाँ यूनिट होगी ना जितने में, लैक्स में है तो लैक्स में, थाउजेंड में है तो थाउजेंड में, जिसमें भी यूनिट है वो लिखनी है साथ में, तीनों में, मीन मीडियन मॉड में। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? मिडिल वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। तो यूनिट जरूर देखनी है इसमें। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूं ना, इसकी फिगर साथ साथ बनाना, क्वेश्चन ही लिखना, फिगर बनाओ। एन एरोप्लेन, खुशी चुप हो जाओ, एन एरोप्लेन When flying at a height of 4,000 meter from the ground, an aeroplane when flying at a height of 4,000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane, passes vertically above another aeroplane at an instant when the height नहीं, when the angles of elevation of the two planes
फ्रॉम द सेम पॉइंट आर 60 एंड 45। फिर से सुनो, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली अबव द अनदर एरोप्लेन, पासिस वर्टिकली अबव द अनदर एरोप्लेन व्हेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 एंड 45। अब मुझे बस इतना बताओ, दो एरोप्लेन है, जो एरोप्लेन 4000 की हाइट पे है वो ऊपर है कि जो न्यू वाला एरोप्लेन है अनदर एरोप्लेन वो ऊपर है? 4000 वाला ऊपर है, लिखा हुआ है ना, पासिस वर्टिकली अबव द अनदर एरोप्लेन। ठीक है, तो जो 4000 वाला है वो ऊपर है, उसके नीचे एक और एरोप्लेन है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन नहीं है, उसको एच ले लेना। ठीक है, इसका मतलब जो सेकेंड वाला एरोप्लेन है उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी? 4000 माइनस एच। ठीक है, अब आपने निकालना है दोनों के बीच का गैप, दोनों एरोप्लेन का एच, एच फाइंड करना, करो है? फिगर बनाओ पहले आप। मैं फिर से क्वेश्चन बोलती हूँ, आप फिगर ट्राई करो एक बार, क्योंकि फिगर पेपर में आपने ही बनानी है। आंसर तो तब करोगे जब फिगर बनाओगे, तो आप आराम से बनाओ, कोई बात नहीं, मैं एक दो बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर 60 एंड 45। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट दैट इंस्टेंट, मतलब सेम टाइम पे उनके बीच का, हाँ लेकिन गैप थोड़ा सा ज्यादा करो। हाँ फिगर ऐसे ही है, बस एंगल ध्यान देने हैं। हाँ ठीक है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट से ऐसे है ना, देखो ऐसे है, एक पॉइंट है यहाँ, एक पे 45 है, एक पे 60 है, ये एक एरोप्लेन है, ये दूसरा एरोप्लेन है, फिगर ऐसे है। चीजें आप लिखो, डायमेंशन सारी क्या कहाँ आएगा वो पता लग जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। आप बनाओ, सिक्सटी एंड 45 बोला है मैंने। हाँ ऑब्वियसली, हाँ एंगल, एक मिनट रुक जाओ, ढूंढने दो पहले। क्वेश्चन है, क्या बोला आंसर? आंसर डेसिमल में निकाल के पूरा बताओ, रूट की, रूट थ्री की वैल्यू ले लो आप, एक मिनट, जो रूट थ्री की 1.73 लेनी है। ठीक है, नहीं नेगेटिव क्यों आएगा? हाँ 1.73, 10-30 के ले रहे हो, 60 है, हाँ 4000 अपॉन रूट 3, 4000, एक आ रहा है 4000 अपॉन रूट 3, दूसरा निकालो, टोटल में से उसको माइनस भी तो करो ना। आपसे पूछ रहा है कि वो जो एच आपने लिया ना वो बताओ कितना आ रहा है, पहले तो 4000 जो 4000 अपॉन रूट 3 है ना वो बेस की लेंथ आ रही है इनकी, बेस आ रहा है ना वो, तो आप एच निकालो ना। दो चीजें निकालनी है आपने, फाइन तो वैसे ये करना है, लेकिन पहले ये आ रहा है, इसकी लेंथ आ रही है 4000 अपॉन रूट 3, इसको एच ले लो, ये टोटल 4000 है, ये हो गया 4000 माइनस एच, आपने ये निकालना है। ये कैसे आएगा? पहले आप बड़े ट्रायंगल, बड़े वाले में से बेस आ गया, छोटे वाले में से एच निकाल लो ना यहाँ से। ठीक है करो, हाँ 4000 माइनस 4000 बाय रूट 3 हो जाएगा, सॉल्व करो। पहले बड़ा ट्रायंगल लो,
एंगल देखो कौन सा बनेगा पहले। ऑब्वियसली ये छोटे वाला एंगल है वो छोटे वाला होगा, ये 45 होगा और ये 60 होगा, ठीक है। पहले बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं एसीडी, बड़े ट्रायंगल में टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बीसी। ये क्या होता है रूट थ्री 4000 अपॉन बीसी, बीसी इज इक्वल टू 4000 अपॉन रूट थ्री, ये आपका बेस आ गया। ये बेस आ गया, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, छोटे वाला जो स्मॉल ट्रायंगल है उसका नेम क्या है, बीसीडी। इसमें आएगा टेन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 4000 माइनस एच अपॉन बेस, बेस क्या है डीसी, इसकी वैल्यू पुट करनी है। टेन 45 वन होता है तो यहां से डीसी इज इक्वल टू 4000 माइनस एच हो गया। डीसी की वैल्यू क्या है, वो रही जो पहले फाइंड की है ना वो यूज करनी है यहाँ पे। एच इधर आ जाएगा 4000 माइनस 4000 अपॉन रूट 4000 कॉमन, क्या बच गया 4000 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 1 बाय रूट 3, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा 4000 रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3। अब इसकी दो मेथड है, या तो इसको पहले रैशनलाइज कर लो बाद में वैल्यू पुट कर दो, पहले रैशनलाइज करना इजी हो जाएगा। 4000 रैशनलाइज करके क्या हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री बाय थ्री, ये आ गया। रूट थ्री की वैल्यू पुट कर दो, या एक काम और हो सकता है अगर ये सब कुछ नहीं करना तो एक चीज और कर सकते हैं, रूट थ्री की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1.73, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो, वन में से माइनस करके सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटर है वो कर लो, वो इससे छोटा है मेथड, ठीक है। यहाँ 1.73 पुट करो, 1 अपॉन 1.73 हो गया ना, 1 को डिवाइड कर लो 1.73 से, डेसिमल में आ जाएगा। ये कहां से आया, 10.45 है ना, ये तो 10.30 की वैल्यू है। एच निकाल लो, 16 डबल डिजिट तक निकाल लो ना डेसिमल के, 1687.86 आ रहा है आंसर, 1687.86 ये आ रहा है आंसर। अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है ना तो एक काम और भी कर सकते हैं, ये देखो अगर आपको यहां पर भी लग रहा है ना कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉमन भी मत लो, यहाँ पे 1.73 लिख दो, उसको डिवाइड कर दो और सीधा माइनस कर दो अगर वो लगता है आपको, तो ये कर लो, ये भी ठीक है, यहाँ पे बेटर रहेगा क्योंकि वो डेसिमल में डिवाइड करना मुश्किल लग रहा है ना, तो यहाँ कर लो, यहाँ पे 4000 को ऐसे ही रहने दो, 4000 अपॉन 1.73, यहाँ से डबल जीरो आ गई, इसको 173 से डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा वो 4000 में से माइनस कर दो, ये कर लो, हो सकता है ये ठीक लगे आपको, करो। हाँ जी, हो सकता है, हाँ हो सकता है, जहां मर्जी रैशनलाइज करो, लेकिन आप बस एक चीज देख लो, जहां आपको इजी लगता है ना, जितनी जितने ज्यादा रैशनलाइज करते जाओगे ना नंबर बढ़ते जाएंगे, तो उससे बेटर है सीधा पुट कर लो, तो रैशनलाइज मत करो, यहीं पे पुट कर लो, वैल्यू इजी हो जाएगा आपके लिए। वैसे तो हमारी बुक में जितने भी क्वेश्चन है आंसर रूट में ही छोड़े हुए हैं, ठीक है, दिया हो तो यूज कर लेना, नहीं दिया हो तो रूट में छोड़ देना। 4000 हाँ रैशनलाइज करके छोड़ना, फिर अगर आप सपोज करो रूट थ्री की वैल्यू गिवन नहीं है एग्जाम में, तो आप जितना आंसर आएगा ना रूट में उसको रैशनलाइज करके वहां तक छोड़ देना, जो मैंने पहले किया था वो वहां। इसको कैसे लिखेंगे ये पता है आपको, रूट थ्री इंटू रूट थ्री और रूट थ्री इंटू वन, तो इसको कंबाइन कर देना, आंसर आ जाएगा 4000 ब्रैकेट में 3 माइनस रूट थ्री अपॉन 3, इसको डिवाइड कर देना, इसको डिवाइड कर देना, इसको डिवाइड करके लिख देना, इसको ऐसे लिख देना, हाँ डेसिमल में आ जाएगा, और यहाँ पे 1.73 पुट कर दो, माइनस करके मल्टीप्लाई कर लो, अगर रूट में दिया हो तो वैल्यू पुट करना, वैल्यू दी हो तो, अदरवाइज रूट में छोड़ देना, क्योंकि अपनी बुक में जितने भी आंसर्स हैं रूट में दिए हुए हैं काफी आंसर,
अपनी तरफ से वैल्यू यूज नहीं करनी, मेरा कहने का मतलब ये है। रूट टू की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है रूट टू की वैल्यू? गलत बोली है। 1.414। रूट थ्री की वैल्यू जो है इरेशनल है, काफी बड़ी है, लेकिन आप 3 डेसिमल तक यूज कर सकते हो। 1.732। अपनी तरफ से कुछ भी यूज नहीं करना जब तक दिया ना हो, चाहे कोई भी रूट आ जाए। अगर कहा हो राइट द आंसर इन अप्रोक्सीमेट फॉर्म, तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। डेसिमल फॉर्म दिया हो, अप्रोक्सीमेट हाइट निकालो, अप्रोक्सीमेट मतलब पूरा सॉल्व करो, फिर कर देना। फिर एक बात सुनो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। सपोज आंसर आ रहा है 1887 पॉइंट समथिंग, आपका 1887.86 की जगह कुछ और आ गया, तब भी आंसर गलत ही माना जाएगा, क्योंकि आंसर की से टैली नहीं हो रहा। आप बात समझ रहे हो? तब भी हाफ जाएगा। डिवाइड नहीं करोगे तब भी हाफ जाएगा, तो टाइम क्यों वेस्ट करना है? पहले सारा पेपर करना ना, फिर लास्ट में टाइम बचे तो डिवीजन करना, वरना छोड़ देना। अगर 2-3 जगह पे हाफ ऑफ नंबर चला भी जाता है ना, तो कोई क्वेश्चन नहीं पेंडिंग रहेगा आपका। और अगर आप डिवाइड में टाइम वेस्ट करते हो, तो आपका कोई क्वेश्चन भी हो सकता है पूरा ही छूट जाए। तो इसलिए बेटर रहेगा, रॉन्ग आंसर आ रहा है तब भी हाफ जाना है, डिवाइड नहीं किया तब भी हाफ जाना है। तो इसलिए बेटर ये रहेगा पेपर पूरा किया जाए पहले, क्योंकि 2-3 नंबर के तो वैसे भी चले जाते हैं, चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट कोई हो सकता है गलती हो जाती है, क्योंकि आंसर आंसर की के साथ पॉइंट के बाद भी टैली नहीं होता, तो हाफ नंबर जाएगा ही जाएगा, तब भी जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी तो पूरे सॉल्व किए होते हैं आंसर। उनका जो आ रहा होता है आपका भी वही आना चाहिए, अगर आपने वही वैल्यूज यूज की है सेम, तो जिससे मर्जी की हो कैलकुलेटर या आपने करना है, जो करेक्ट होगा माना तो वही जाएगा। और पेपर आंसर की में ऐसा नहीं होता कि जो आंसर की उनकी बनी है, जो पेपर चेकर होते हैं ना, वो भी पहले पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद वो टेल। वैसे तो वो आंसर की जो बनी होती है वो 2-3 बार बनी होती है, 2-3 अलग अलग सबने सॉल्व की होती है, तो आंसर टैली होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, और थोड़ा सा भी वेरी करता है तो हाफ नंबर जाएगा ही आपका। तो उससे बेटर है डिवीजन में टाइम वेस्ट मत करना, रैशनलाइज करके जहां तक कर सको वहां तक छोड़ देना। डेसिमल में आ रहा है 1687.86 मीटर। अब इतना वेरी कर रहा है ना, अब ये नंबर पक्के जाएंगे यहाँ पर, टाइम तो वेस्ट किया ही, मार्क्स भी कट रहे, इससे बेटर रहने ही तो डिवाइड वाला, तो वहां तक कर देना, क्योंकि पूरे नंबर तो डिफिकल्ट है भाई मैथ्स में तो। ठीक है, वो तब आएंगे जब आप सारा पेपर पहले कंप्लीट कर दो, और बाद में जो 2-3 डिवीजन है उसको बाद में कर लो आराम से। तो उसके लिए 10-15 मिनट छोड़ के बाकी पेपर कंप्लीट कर लेना पहले। चलो, बिल्कुल पैटर्न वाला पेपर आएगा जो आपका सीबीएसई का है लेटेस्ट। ठीक है, आप सीबीएसई की साइट पे देख लेना, लेटेस्ट सैंपल पेपर जो आए हुए हैं सेम वही पैटर्न फॉलो होगा। वैसे मैं अभी आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी देखा नहीं है हमने भी, यार डिस्कस करना है वो करके आपको 1-2 दिन में मैं बता देंगे कि कैसा वैसे वाला ही होगा, क्योंकि जो मेरे पास लेटेस्ट सैंपल पेपर आया उसमें एजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन वैसे डिलीटेड है टॉपिक। जो अभी मेरे पास सैंपल पेपर अभी मिला है हमें, उसमें दिए हुए हैं, वो पहले ही बन चुके हैं लेकिन डिसाइड बाद में हुआ, जैसे हमने पिछली बार भी आपको करवा दिए थे, तो ऐसे हाँ चॉइस होगी जैसे है ना, बाहर की चॉइस जो आनी है पेपर में सेम वैसे वाला पैटर्न फॉलो होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो, स्टेटमेंट कहते हो तो मैं आपको सेंड कर देती हूँ। मैं क्वेश्चन पे ना सर्कल करके पेज की पिक सेंड कर दूंगी आपको। एक क्वेश्चन और है वो लिख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम गुरु अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, ये दिए होंगे सब में, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर होंगे ना, होगा आरडी में भी है ये क्वेश्चन, और जो मैं अब दे रही हूं ना वो भी है। चलो लिखो, आप कोई भी बुक फॉलो करो, उसके कोई भी क्वेश्चन छोड़ो मत, सारे कर लो, बस 3 एंगल्स वाले नहीं करने, वो करने हैं जो ये जैसे कोई प्रूव करना है ऐसा कि हाइट ऑफ द टॉवर है साइन थीटा माइनस, ऐसे करके 2 एंगल वाले वो कर लेंगे। ठीक है, लिखो एक स्टेटमेंट जरा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, नोट कर लो स्टेटमेंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक, 60 मीटर अबव द लेक
इज 30 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. Find the height of the cloud. पहले क्वेश्चन को एक दो बार रीड करो, फिगर ड्रॉ करो. इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि लेक कौन सी है, क्लाउड कहाँ है, उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ बन रही है और फाइंड क्या करना है. क्या वो क्वेश्चन है लिखा? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? पूरा आ रहा है, रूट में नहीं आ रहा, पूरा सॉल्व हो रहा है. फिगर पहले क्वेश्चन रीड करो 2-3 टाइम्स. पहले डायरेक्ट फिगर की तरफ मत मूव करो, पहले क्वेश्चन रीड करो एक बार. पहले क्लाउड देख लो कहां पर है, फिर एक पॉइंट से उसका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और जिस पॉइंट से बन रहा है वो 60 मीटर अबव है लेक से. पहले लेक बना लो, लेक से 60 मीटर ऊपर चलो, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओ 30. चांद फिगर बनाओ क्वेश्चन की. हाँ नहीं, ये थोड़ी 60, नहीं वो ऊपर पॉइंट ये क्लाउड, ये लेक है, इससे 60 मीटर अबव एक पॉइंट है, वहां से क्लाउड का ये एंगल, ये 60 मीटर अबव है. तो ये लेक है ना, लेक से 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, वहां यहाँ क्लाउड है, ये क्लाउड हो गया ना, क्लाउड का एंगल 30 है. हाँ जी, क्लाउड की रिफ्लेक्शन पानी में बन रही है, यहाँ ये लेक है ना, ये लेक है ना, जितना ऊपर बन रही है उतनी रिफ्लेक्शन अंदर बनेगी, मतलब ये और ये इक्वल होंगे, ये फाइंड कर, ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन रही है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है. हाँ यहाँ से नीचे नीचे, हाँ इसको ज्वाइन कर. क्वेश्चन की फिगर ठीक बनाओगे तो आएगा. एंगल दिखाइयो चांद, एंगल